नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़ और मेरा नाम है मनदीप गौतम। आज मैं रावण के उस पुतले की बात करने जा रहा हूँ। सबसे ऊंचा रावण का पुतला है और ये रावण का पुतला चंडीगढ़ स्थित धनास में बनाया जा रहा है और इसकी ऊंचाई है 221 फुट। आपको बता दें, इस रावण को बनाने के लिए एक शख्स ने लगभग 40 लाख के करीब राशि खर्च कर दी है और वो आए साल ऐसी राशि खर्च करते रहते हैं। इसी के चलते उन्होंने 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। आइए आपको मिलाते हैं उस शख्स से। 32 सालों से रावण के पुतले का निर्माण कर रहा हूँ और पिछले लगभग 15 सालों से दुनिया का सबसे ऊँचा रावण का पुतला मैं बनाता आ रहा हूँ और उस पुतले को लेकर तकरीबन लाखों लोगों की मैं खुशी का कारण रहता हूँ। एक हफ्ते पहले उस रावण के पुतले को दशहरा ग्राउंड में स्थापित कर दिया जाता है, जिसको देखने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं और देख के वो खुश होते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी इबादत समझता हूँ मैं इस बात को। लगभग 6 महीने का वक्त इसको बनाने में लगता है और 40 आदमियों की मेरी टीम है जो शिफ्ट वाइज इसमें काम करके इसको इसके अंजाम तक पहुंचाती है। और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मौसम का सामना करना पड़ता है, तो लेकिन सब बातों का सामना करते हुए इस रावण के पुतले को हम बनाने में कामयाब हो पाते हैं। लगभग 50 क्विंटल के करीब इसमें लोहा इस्तेमाल हुआ है। लगभग 30 लाख रुपए का खर्च इस रावण के पुतले को के निर्माण में आया है। कम्प्लीट रावण का जब ये खड़ा हो जाएगा तब तक इस पर 30 लाख रुपए खर्च हो चुका हुआ। ये 15 अप्रैल को हमने इस रावण का निर्माण कार्य शुरू किया था। लगभग 6 महीने का टाइम हमें इस रावण को बनाने में लगता है और 40 आदमियों की मेरी टीम है जो इसमें दिन रात लगी हुई है मेरे साथ। 4 सालों से रावण के पुतले की जो ऊंचाई थी उसको ना बढ़ा पाने का कारण सिर्फ यही था कि हमें प्रॉपर क्षेत्रफल में ग्राउंड मिलता नहीं था। अब ये बहुत बढ़िया ग्राउंड मिला है हमें, इस वजह से इतने सालों के बाद इसकी ऊँचाई को 11 फुट बढ़ाया गया है। अब इसकी ऊंचाई पिछले साल के मुकाबले में 11 फुट अधिक है। पिछले साल 210 फीट का रावण का पुतला पंचकुल्ला के 5 सेक्टर के बीच में हमने बनाया था। अब ये चंडीगढ़ के धनास क्षेत्र के बीच में इस कार्यक्रम को शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल तकरीबन मेरा जो अपना फंड्स थे वो सब मैं खर्च कर चुका था रावण के निर्माण कार्य के लिए। अब दोबारा ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए रावण के निर्माण कार्य को कर पाना, लेकिन इस संस्था के प्रधान जी को जब ये पता लगा कि ऐसे करके ये कार्यक्रम फंड की वजह से बंद होने जा रहा है, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये इतनी बड़ी कलाकृति है और इसको पूरा करने के लिए शिव पार्वती सेवा दल मेरे साथ आया और ये सारा आयोजन अब वही अपने देख रेख में सब शिव पार्वती सेवा दल के सभी सदस्य मिल के लगे हुए हैं। 5 कलर इसमें यूज किए गए हैं और वो 5 कलर जो है वो फ्लोरोसेंट फैब्रिक हमने इस बार मंगवाई है, क्योंकि ये सिटी ब्यूटीफुल का सबसे ब्यूटीफुल रावण बनाने की हमारी योजना के तहत कार्य चल रहा है। लगभग पिछले 5 सालों से हम इको फ्रेंडली आतिशबाजी का यूज करते आ रहे हैं, जो स्पेशल ऑर्डर पे सिवाकाशी से मंगवाई जाती है, जो दूसरी आतिशबाजी के मुकाबले में 80% तक प्रदूषण कम फैलाती है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।